नमस्कार, सियासी चौक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज हम सियासी चौक में बात करने वाले हैं राम मंदिर, अयोध्या और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और इस पर हो रही सियासत को लेकर। इस वक्त मैं ठीक हनुमानगढ़ी के सामने मौजूद हूं और मेरे साथ यहां की जो महंत हैं राजूदास जी हैं और साथ में जो तमाम श्रद्धालु हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजूदास जी के पास चलेंगे। महाराज जी, लगातार आपसे बातचीत हो ही रही है और लगातार बयानबाजी भी इस पर हो रही है। कभी कोई राम को मांसाहारी बता रहा है, कल आपने बयान सुना बिहार के कुछ नेताओं का। जब इस तरीके की सियासत आगे बढ़ रही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बिल्कुल पास में है, संत समाज क्या सोच रहा है इस सियासत और राजनीति? देखिए, सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, विश्व बंधुत्व के भाव और धर्म की जय, और धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो, ये भाव सनातन सिखाता है। लेकिन पता नहीं कैसे मुझको लगता है जो इस प्रकार के अब इस वक्त में इस समय में जो भगवान राम मांसाहारी, मंदिर का कौन सा काम, हॉस्पिटल, ये विषय अब नहीं है, वो समय बीत चुका है। मंदिर की भी जरूरत है, मस्जिद की भी जरूरत है, गुरुद्वारा की भी जरूरत है। और भारत में विभिन्न पद्धति के मानने वाले लोगों की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल की भी जरूरत है और विद्यालय की भी जरूरत है। लेकिन हमारे जैसे लोग किसी के ऊपर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, मजबूरी वश कहा जाता है कि ये वही लोग हैं रावण के खानदान के लोग हैं, जिनको इस प्रकार से भाव दिखता है, क्योंकि अब वो वक्त बदल चुका। अब इस प्रकार से अयोध्या सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, उनको अपने चक्षु, ज्ञान चक्षु को खोलना चाहिए। जो ये कहते हैं कि हॉस्पिटल हो जाए, स्कूल, क्या मंदिर जाने से क्या फ़ायदा, तो ये भी कह सकते थे कि मस्जिद जाने से क्या फ़ायदा, लेकिन वो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सहिष्णुता के पुजारी हैं, हम कलम के पुजारी हैं, हम संविधान के रक्षक हैं। इसके नाते जो जी में आता है, ये ट्रेडमार्क सा हो गया है। सनातन को गाली दो, उतना बड़ा नेता हो, जो सनातन संस्कृति को मिटाने की बात करो वो आइकॉन हो जाए। तो अब विषय बदल चुका है, अब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सबके हैं। लेकिन मैं आम श्रद्धालुओं से भी बातचीत करूंगा। आप लोग कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। ऐसे दिल्ली से क्या नाम है? नाम चंद्रदीप सिंह है। संदीप, ये बताइए, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, वोट बैंक, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, तमाम बयानबाजी हो रही है, भगवान राम पर टिप्पणियां की जा रही है, क्या सोचते हैं जब ऐसी आप लोग टिप्पणी? भगवान राम के पर टिप्पणी करके वोट राजनीति नहीं करना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि एक ही श्रद्धा का विषय है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या होता है, अपना वोट बैंक एक अपना सेपरेट अलग रख के, एंड ये मतलब इसको एक धार्मिक तरीके से देखना चाहिए, मेरा मानना ये है। इसमें कोई वोट राजनीति का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसमें वोट राजनीति आनी चाहिए पहली बात तो, जो मेरा मानना है पर्टिकुलर, मतलब क्योंकि यहाँ पर आता रहा बराबर में, बहुत टाइम से आ रहा हूँ, तो आज ऐसा कुछ वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेके हैं लोग कि वोट राजनीति होनी चाहिए, वोट राजनीति, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि 24 में जो आम चुनाव होना है, उस चुनाव को लेकर कुछ राजनीतिक दल इस तरीके का स्टैंड ले रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं? जो ले रहे हैं वो बहुत गलत है वैसे तो, फर्स्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए उनको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी, एंड मेरा तो मानना ये है खाली खाली तो फोकस करना चाहिए उनको, खाली खाली श्रद्धा एंड धार्मिक उसके, बस मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, मैं कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। भाई साहब, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप हनुमानगढ़ी आए हुए हैं दर्शन और पूजन के लिए, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बिल्कुल पास है, लेकिन देखा जा रहा है कि जैसे जैसे तारीख पास आ रही है इस पर राजनीति भी हो रही है, भगवान राम को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं, कई बयान दिए जा रहे हैं, क्या सोचते हैं सियासत को लेकर और जिस तरीके से इस पर कमेंट किया जा रहा है? राम जी के ऊपर कोई सियासत कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान राम जो है ऐसे महापुरुष जो आज बरसों बाद अपने इस प्रतिष्ठा में 22 तारीख को प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जो एक अभिमान है सारे हिंदुओं का, सारे हिंदुओं का, तो इसलिए इसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप? अंबेडकर नगर से आए हैं। अंबेडकर नगर, तब तो आते रहते होंगे। हाँ, हम डेली आते रहते हैं। इस वक्त धर्म के केंद्र बिंदु में तो है ही, लेकिन राजनीति के केंद्र बिंदु में भी कहीं ना कहीं वो स्थापित होती दिख रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। तमाम बयानबाजी हो रही है, कोई राम को मांसाहारी बता रहा है, किसी का ये कहना है कि मंदिर जाने से क्या खाना मिल जाएगा, तो तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। आपने एनसीपी के एक नेता का बयान सुना, ऐसे बयानों से क्या लगता है कि क्या एक खास वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए ये बयान? नहीं नहीं, सब बेकार की बातें हैं सब, इससे कोई वोट बैंक से कोई मतलब नहीं है। कि मतलब सियासत नहीं होनी चाहिए खास तौर पे भगवान राम? नहीं, इससे सियासत नहीं होनी चाहिए, राम को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। भाई, भगवान राम है, राम की नगरी है, राम का यहाँ जन्म हुआ था। लोगों में क्या रिएक्शन होता है जब लोग ऐसी बातों को सुनते हैं? नहीं नहीं, सब राम के भक्त, सब राम राम राममयी हो गया जिस समय, पूरा अयोध्या हो, चाहे अम्बेडकर नगर, चाहे जो जिला हो, सब राममयी है एकदम, पूरा गाँव लेकर शहर तक।
भारत हो गया, सब भारत इस वक्त राममय हो चुका है। भाई साहब आप कहाँ से? मैं जयपुर से आया हुआ था। जयपुर से आए हैं, जयपुर में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ, थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर झाड़ू लग रहा है। आप रामनगरी अयोध्या में हैं और दर्शन पूजन आपने किया होगा, लेकिन देखा जाए तो अयोध्या और राम को लेकर लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं, तमाम बयानबाजी हो रही है और सभी दल इसमें शामिल हैं। जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो क्या सोचते हैं आप? मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर सब समाज मिलके, जब राम मंदिर 500 साल बाद बन रहा है, जब अब इतने साल तक हमने इनका राज सहा है, तो वो भी अब मैं चाहता हूँ कि सारे मुसलमान मिलके भी उस दिन दीपक जलाएं और अपनी मेरा मोदी जी को भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप पहुँचा सके तो मेरी बात को, कि जितने भी इनके मदर्स हैं उनको स्कूल में तब्दील कर दिया जाए और उनको अगर इनको हम अच्छी सी शिक्षा देंगे तो इनके भी मन में अपने समाज के प्रति एक भावना है। उन नेताओं का क्या जो भड़काने का काम कर रहे हैं? वो तो सर उनका तो वो अपने स्वार्थ के लिए वो उसको भड़काने में लग रहे हैं। उन्होंने आज 75 साल में इन्होंने आज तक इस समाज को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इनको बोला है कि आप तो अपने जनसंख्या को बढ़ाओ और हमें वोट के लिए इन्होंने उसको तैयारी करी है। इन्होंने ना आज तक इनको शिक्षा के लिए कोई बात करी, ना इनको इनको कोई रूप दे पाए। हम लोग बनारस से, बनारस, हाँ, हम लोग अखिल भारतीय दबगर समाज का नगाड़ा अहमदाबाद से चल रहा है, आज रात को आ रहा है, उसको उसको हम लोग उसके साथ हम लोग आने के लिए यहाँ आए हुए हैं। देखिए ये बताइए कि इतने श्रद्धालु आ रहे हैं अयोध्या में और पूरे भारत में एक बड़ी तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है इस पर सियासत भी हो रही है। आप लोग तमाम बयानबाजी सुनते होंगे, अलग अलग जो नेता हैं तरह तरह के बयान दे रहे हैं, जब ऐसी बयानबाजी होती है तो क्या एक आम नागरिक होने के नाते क्या? देखिए आम नागरिक का तो जानता है, आम नागरिक जानता है उनको क्या करना है, उनको सब मालूम, कौन झूठ बोला, कौन सच बोला, कौन क्या कर, कौन पर्दे के पीछे कौन सा, हमको मालूम है कि 2024 का चुनाव आने वाला है और उसमें राजनीतिक हो रही है, लेकिन सबको मालूम है इस बार क्या करना है। 2024 में फिर कमल खिलेगा और पूर्ण रूप से खिलेगा, हम लोग का तो ये है। लगता है कि ये ऐसी जो बयानबाजी हो रही है वो 24 के चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है? हाँ, 24 को चुनाव को ध्यान में ही रख के की जा रही है और यहाँ सब नागरिक अपना अपना कर्तव्य जानता है कि हमको अपने आप से क्या करना है, उसी अनुसार हम लोग अपना निर्णय लेते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए भाई साहब, थोड़ा आ जाइए। 400 पार हम लोग समाजिक आदमी दबगर समाज से जुड़े हुए नगाड़ा हम लोग आएगा अभी रात में, आज अहमदाबाद से चल के। और क्या लगता है कि ये जो चीजें हैं अगले चुनाव पर बहुत असर छोड़ने, ये 2029 तक कोई नहीं ला पाएगा, 2034 तक। देखिए असली बात क्या है, पहले भड़का तो नेता ही रहे, नेता भड़का रहा, सबको मालूम नेता भड़का, अभी तीन राज्य का चुनाव को देख लीजिए, सबको ये लग रहा था कि ओपिनियन पोल हुआ था कि राजस्थान में भी वो जीत रहे, छत्तीसगढ़ में भी वो जीत रहे, लेकिन क्या हुआ, ऐसा हुआ कि उसका स्वरूप चेंज हो गया और ये स्वरूप खाली थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये 2024 का जो चुनाव होगा और हमको तो लग रहा है कि 400 पार क्या हो सकता है, कि यो भी आश्चर्य वाले बात हो जाए, ऐसा ना हो कि कहीं 500 के आसपास पहुंचे। ठीक है, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, आप लोग आ जाइए, आइए। क्या नाम है आपका? शेफाली प्रसाद। ये बताइए प्राण प्रतिष्ठा होना है और चूंकि राम की नगरी में आप आई हैं, दर्शन आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है। जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर या फिर अयोध्या को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, क्या सोचते हैं आप लोग उस बयानबाजी को लेकर? जी मैं तो यही सोचती हूँ कि जो सत्य है वही जीतेगा, बस चाहे कोई कितना भी कुछ घुमा फिरा के चापलूसी कर ले, जो सत्य है वही जीतेगा और जो दिल से लगन से मेहनत कर रहा है मंदिर के लिए वही जीतेगा। एक महाराष्ट्र के नेता है, उन्होंने भगवान राम को मांसाहारी तक बता दिया, तो सोचिए जब भगवान के ऊपर ऐसे कमेंट हो रहे हैं, चूंकि आप लोग पूजा करती होंगी, तो मन में क्या आता है, क्या विचार? मन में देखिए ये विचार आता है ना कि जो कहता है कहने दीजिए, सबके बात को लेके नहीं चल सकते हैं ना, हमको पता है ना कि भगवान राम क्या है, तो इसलिए सबके कहने पे नहीं कोई नहीं हो सकता है ना, तो जो हमको पता है हम बस उसी पर अटिक रहते हैं कि मेरे प्रभु राम है। और फिर सबसे बड़ी बात है, जहाँ हमको विकास मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, हम उसी के साथ है, यह सब लोग जानता है कि किसके साथ है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सनातन ही सत्य है और इस चीज को लोग बखूबी समझते भी हैं, लेकिन सच ये भी है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, भगवान राम को लेकर और अयोध्या को लेकर इस वक्त सियासत चरम पर है। जाहिर सी बात है कि 24 का चुनाव होना है और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस मुद्दे के सहारे एक
कह सकते हैं कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन देखा जाए तो पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त अयोध्या पर टिकी है, और अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या इस वक्त चमक रही है।